हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, जिसमें स्टोरी सम्स हैं। आपको फर्स्ट टाइम स्टोरी सम्स करवा रहे हैं, तो इसमें हमें ये पढ़ना होता है स्टेटमेंट, फिर इसको जैसे कि हम एडिशन वाले सम्स कर रहे थे वही है। तो हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसे यहाँ सॉल्व करेंगे। देयर वर 8 पैरट्स ऑन अ ट्री, 10 मोर केम। यानी कि एक ट्री पेड़ पर 8 पैरट्स थे, 10 और आ गए। हाउ मैनी पैरट्स आर नाउ ऑन द ट्री। अब पेड़ पर कितने पैरट्स हैं, तो हम काउंट करेंगे। पहले कितने थे? एट। एट सिंगल नंबर है तो वंस में लिखेंगे, टेंस में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब 10 मोर आ गए तो 10 यहाँ लिखेंगे, तो इसे क्या करना है? प्लस करना है। 8 प्लस 10, तो आपको प्लस करना आता है। एडिशन वाले सम्स आपने कैरी वाले भी किए हैं, विदाउट कैरी वाले भी, तो आप इजली कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको नंबर्स लिखकर यहाँ पर ऐड करना है, ये आप अपने आप करेंगे। अब नेक्स्ट सम्स हम रीड करेंगे। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 1 एंड 37 स्टूडेंट्स इन क्लास 2। यानी कि 35 स्टूडेंट्स क्लास 1 में हैं और 37 स्टूडेंट्स क्लास 2 में हैं। हाउ मैनी, जब हाउ मैनी पूछा जाता है ना, हाउ मैनी का मीनिंग है कितने। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द क्लासेस। बोथ मीन्स दोनों, दोनों क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम पहले क्लास 1 के लिखेंगे 35, फिर क्लास 2 में कितने हैं? 37। अब क्या करना है? इसे प्लस करना है, तो आप इस तरह से इसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। मैरी हैज 16 पेंस, हर फ्रेंड हैज 23 पेंस। मैरी के पास 16 पेंस हैं और उसके फ्रेंड के पास 23 पेंस हैं। हाउ मैनी पेंस बोथ ऑफ देम हैव। दोनों के पास कितने पेन हो गए, तो क्या करना है? ये भी प्लस करना है। मैरी के पास 16 हैं और उसके फ्रेंड के पास 23 हैं। मैं इसलिए खुला खुला लिख रही हूँ क्योंकि वंस के नीचे वंस लिखना है और टेंस के नीचे टेंस लिखना है। तो इस तरह से आप अपनी बुक में करेंगे और नोटबुक में भी ये स्टेटमेंट पूरी उतार कर उसे प्लस करना है। माई अंकल बॉट 15 eggs, माई फादर बॉट 36 eggs। अंकल ने कितने एग्स खरीदे? 15, और फादर ने कितने खरीदे? 36। हाउ मैनी एग्स डिड दे बाय ऑल टुगेदर। दोनों ने कितने एग्स खरीदे हैं, तो पहले लिखेंगे अंकल के 15, फिर फादर ने कितने एग्स लिए? 36। अब दोनों को प्लस कर दीजिए। आई हैड 32 beads, माई सिस्टर गेव मी 16 more। मेरे पास 32 beads, बीड्स मीन्स मोती, और सिस्टर ने कितने दे दिए? सिस्टर ने दे दिए 16 और दे दिए। हाउ मैनी बीड्स आई हैव नाउ। अब मेरे पास कितने बीट्स हो गए? पहले लिखेंगे 32, 16 more हो दिए, तो इसे भी ऐड करेंगे। इस तरह से ये सम्स आप अपनी बुक में फिर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज में होती है जो बैक एक्सरसाइजेज में आपने जो वर्क किया है, जिस जिस टाइप का, उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलाकर दिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 44 प्लस 27 इक्वल क्वेश्चन मार्क। यानी कि 44 और 27 कितने होंगे? तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको किस तरह से ऐड करना है। अगर आप वंस को वंस में ऐड करके कर सकते हैं, टेंस को टेंस में, तो यहाँ से कर सकते हैं। 7 वंस है और 4 वंस, 7 एंड 4 कितना होता है? 11। 11 का कितना आएगा? 1, कैरी 1।
अब टेंस को टेंस में ऐड करेंगे, टू एंड फोर सिक्स, और कैरी को ऐड करेंगे तो सेवन। अब यहाँ सेवन आया है, यानी कि 71, 81, 91 तीन ऑप्शन दिए गए हैं। हमने इनको प्लस किया तो हमारा आंसर ये आ रहा है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला हम राइट कर देंगे। द साइन ऑफ एडिशन इज, फर्स्ट है माइनस, सेकेंड है प्लस, थर्ड है मल्टीप्लाई। एडिशन का साइन जो होता है कौन सा होता है? प्लस का होता है, तो हम प्लस वाले पे राइट करेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, जो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से? 7 + 9 = 16, 7 + 9 = 15, 7 + 9 = 14। अब काउंट करके देखिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। 7 + 9 आंसर आता है 16। आप काउंट कर लीजिए फिंगर्स पे, 9 के आगे 7 को काउंट करेंगे 16 आता है। 7 + 9 = 15 नहीं होता, 7 + 9 = 14 नहीं होता, ये दोनों रॉन्ग हैं। हमारी राइट स्टेटमेंट क्या है? 16, तो 16 पर हम राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द साइन जो है स्मॉल, बिग और इक्वल इन द बॉक्स। ये आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आते हैं। 29 और 28, कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है, आपने यहाँ पर साइन लगाना है। ये बिग है तो हम बिग वाला साइन लगाएंगे इधर, क्योंकि बिग पता है आपको, जिधर बिग नंबर होता है उस तरफ हम ये माउथ खुला रखते हैं। 96, 97, तो 96 जो है बिग नंबर है तो इधर फेस इसका करेंगे। 98, 98 तो इक्वल है दोनों। 83, 59 तो 83 बिग नंबर है, ये स्मॉल है। 24 and 24 इक्वल हैं। 85, 72 बिग नंबर है तो स्मॉल अपने आप इधर आ जाता है। देखो ये नोक है, इधर मुंह खुला हुआ है, तो हमारा अपने आप ही आंसर सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैच द फॉलोइंग। हमने ए बी सी डी ई को 1, 2, 3, 4, 5 से मैच करना है, क्योंकि इसे प्लस करेंगे फिर इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। किससे मैच करता है वो आंसर, उसे मैचिंग करनी है। 24 + 9, अब 24 को माइंड में रखेंगे, 9 फिंगर्स को आगे काउंट करेंगे, तो आप फिंगर्स काउंट कर सकते हैं या 9, 3 यहाँ इस तरह से ले सकते हैं। 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब देखेंगे 33 कहाँ है, ये रहा, तो इसको हमने यहाँ मैच कर दिया। 66 + 16, आप अपनी नोटबुक में लिखकर भी कर सकते हैं, फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, या वंस को वंस में भी ऐड करके कर सकते हैं। अब मैं वंस को वंस में ऐड करके दिखाती हूँ। 6 वंस है और ये 6 वंस है। 6 and 6 = 12, 12 का यहाँ देखो 2 यहाँ आया हुआ है, तो इसे हम आगे देखेंगे कि 82 ही आता है या नहीं। 12 का 2 कैरी 1 माइंड में रखिए। 6 and 1 = 7, 7 में हम कैरी प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 8, तो ये 8, यानी कि इसके साथ ये मैच कर गया। कितना इजी है, इस तरह से वंस को वंस में प्लस कीजिए। 4 and 6 = 10, 10 की 0 होती है, 0 इसमें भी है इसमें भी है। अब देखेंगे आंसर कौन सा सही आएगा। 0 कैरी 1 उसे माइंड में रखेंगे। 1 and 1 = 2, 2 में कैरी प्लस करेंगे 3, यानी कि 30 आएगा हमारा आंसर, तो इस तरह से इसको मैच कर देंगे। अब इसे भी वंस में 9 and 1 = 10, 10 की 0 यहाँ आ रही है, कैरी 1, 4 and 2 = 6, और 6 में कैरी 1 करेंगे 7, तो ये आंसर इसका मैच कर रहा है। 8, अब बाकी तो एक ही रह गया, 8 + 3 = 11, 11 का 1 यहाँ आ रहा है, कैरी 1 माइंड में रखेंगे, फिर 8 यहाँ पर है, यहाँ पर टेंस है ही नहीं, तो 8 में जो कैरी आया था वो प्लस करेंगे 9, तो ये 9 आ रहा है,
तो इसका आंसर इसके साथ मैच हो गया है। तो इस तरह से आपको मैंने सारे सम्स करके दिए हैं। अब एड द फॉलोइंग, ये करना 45 + 36 कैरी वाले सम्स हैं, ये आप अपने आप करेंगे, आपको आते हैं। तो रिवीजन में ये एक्सरसाइज करनी है आपको, और एक्सरसाइज 8.2 भी ये अपनी नोटबुक में करेंगे। सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर काम कीजिए। थैंक यू।